The third Urs of Sufi Saint Dil Muhammad was celebrated by people of different faiths in large numbers, setting a perfect example of communal harmony. आज यहाँ हजारों की तादाद में लोग अल्लामा कायदे सुन्नत को खिराजी अकीदत पेश करने के लिए आए हैं। अल्लामा दिल मोहम्मद साहब की पंजाल की बहुत ही अजीम शान शख्सियत के मालिक थे कि जिन्होंने आज से लगभग 60 साल पहले यहाँ पर ये मसल के अहल सुन्नत का झंडा यहाँ पर बुलंद किया और आपने यहाँ पर रजौरी की मरकजी जामा मस्जिद में आकर खिताब फरमाते थे और आप हमारी अंजुमन उलमा अहले सुन्नत के सूबाई सदर भी थे। द डिवोटीज ऑफर्ड प्रेयर्स टुगेदर एंड पार्टिसिपेटेड इन ऑल द सेरेमनीज। दिल मोहम्मद लाइक अदर सेंट्स वर्क्ड अबव रिलीजियस लाइंस एंड फॉर्ज्ड कम्युनल हार्मनी अमंग पीपल। यहाँ जितने भी अकीदतमंदान हैं तौहीद इस्लाम के हमारे अहल सुन्नत वाल जमात के बड़े बड़े उलमा हजरात जो हज सहारनपुर और दिल्ली से और रजौरी पुंछ के काफ़ी लोग जो हैं यहाँ इनको खराज अकीदत पेश करने के लिए यहाँ हाजिर हुए और उसमें यहाँ के लोकल्स यहाँ इस फतेहपुर के क्योंकि ये एक मायानाज हस्ती थी जिन्होंने दीन की खिदमत भी की और लोगों की समाजी ये खिदमत भी की और लोगों को इक्तसादी हालात में भी ये पेश रहे। A community meal was also prepared and served to devotees during the Urs. His followers, who belong to different communities, hold him in high regard for his services. मोहम्मद साहब ने यहाँ रजौरी की सरजमीन में नहीं बल्कि हिंदुस्तान पूरे में अपना टांके के चोट से आपने आपको मनवाया और उनके अंदर अल्लाह तबारक ताला ने इस कदर इलम घुट घुट के भरा हुआ था कि क्या शांति जब भी जहाँ जिस जलसा में वो गए तो अल्लाह तबारक ताला ने उन्हें कामयाबी ही कामयाबी दी। The Urs takes place with full spirit and is aimed at maintaining brotherhood, peace and prosperity in the country.